तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी, और वो भी बहुत ही डिलीशियस। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम मशरूम लिया है। अब मैं इसे अच्छे से धो के और इसे मैं काट लूँगी, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की चॉपिंग हो चुकी है। मैंने ये मशरूम को अच्छे से धो के और इसे अच्छे से काट लिया है, और मैंने ये 250 ग्राम ही ऑनियन भी लिया है, उसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है। और ये मैंने 2 टमेटो लिया था जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है, और ये मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके अलावा मैं यूज़ करूँगी ये कुछ सूखे मसाले। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैन जो है सो गर्म हो चुका है। मैंने गैस ऑन करके रखा था, तो ये पैन गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ये 2 स्पून के करीब मैं ऑयल डालूंगी, और अब मैं इसमें शिमला सीड डाल दूंगी, जीरा, और आई ऐड सम लहसुन पुदीना, ऐड सम ऑनियन। मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक ये इसे ब्राउन कलर का नहीं हो जाएगा तब तक। ये देखिए हमारा ये ऑनियन हो चुका है, और अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब मैं ऐड करूँगी इसमें ये टमेटो, सॉल्ट। फ्रेंड्स, मशरूम मैं अभी इसमें इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मशरूम को पकने में बहुत कम टाइम। ये देखें, इसमें लहसुन और गार्लिक का कच्चापन जा चुका है, और अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। आई ऐड सम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर। फ्रेंड्स, आप जितना खाते हो, जिस हिसाब से खाते हो, उस हिसाब से डालिएगा। मेरे फैमिली में चूँकि बच्चे छोटे हैं, इस वजह से मैं बहुत स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनाती हूँ फूड। इस तरह से बनाती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने हिसाब से टेस्ट को एडजस्ट कीजिएगा, नमक मिर्च जो भी आप जिस हिसाब से खाते हो आप उस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। इसे मैं अच्छे से भूनने दूंगी। ये तब तक भूनूंगी इसे जब तक ये चारों तरफ से अपना तेल नहीं छोड़ देगा। और मेरे कि तेल तो छोड़ रहा है, लेकिन अब मैं इसे अच्छे से और भूनूंगी क्योंकि मैंने मसाले डाले। इसे अच्छे से भूनूंगी जब तक ये लगने नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक मैं इसे भूनूंगी। मसाले लगने स्टार्ट हो गए हैं, मैं इस टाइम पे इसमें ये मशरूम डाल दूंगी। मशरूम को पकने में टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी और ये सूखा मशरूम ही बनाऊंगी। और ये इतना लजीज बनेगा कि बस आप बार बार बना के इसे खाना चाहोगे। मशरूम में चूँकि पानी होता है, इस वजह से ये अपने पानी पर, ऑनियन का पानी, मशरूम का पानी, ऐसी पानी पर पकेगा। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। से थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, फिर मैं 5 मिनट के बाद चेक करूंगी। डाटा के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सब्जी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही लाजवाब डिलीशियस लग रही है देखने में। इसे आप रोटी, पराठा, नान, जिस किसी भी चीज़ के साथ चाहो उस चीज किसी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हो। और मैं इसे 2-3 मिनट और पकने देती हूँ, उसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल नॉनवेज की तरह लग रहा है ये। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसे नॉनवेज समझ के खाएं, बहुत टेस्टी। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ।
हाँ तो देखिए दोस्तों, बनिए ना लाजवाब, तो आप भी बनाएं और सबके साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली वो आपके लिए लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें, यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।